Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EBS of class 5. So, children, this is a book, My Green World, and today we are going to start with chapter number 6. And the name of the chapter is Animal Senses. So, let's start the chapter. Did you know oh, steaks smell with their tongue? And frogs push food.

So our senses tell us what we need to know about our environment. So our sense organs, we have learned it from very earlier age. So these sense organs tell us about our environment. Eyes, nose, ears, tongue, skin. So these five sense organs help us to feel and know about our environment. Using these senses like humans, animals too use their senses. सो so, जैसे हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं वैसे एनिमल्स भी कुछ सेंसेस उनके पास जिन्हें वो यूज करते हैं टू बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग जिससे उन्हें अपने सराउंडिंग के बारे में पता चलता है दे हेल्प टू कीप आउट ऑफ चेंजर एंड एनेबल टू फाइंड फूड एंड शेल्टर सो हमें जो है ये जो सेंसेस है ये डेंजर से बचाते हैं और फूड को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं and also they help in finding out the shelter some animals can see their prey from far away kuch animals hai wo kya karte hain apne jo bhi prey hain unko door se dekh pate hain wo some can hear even the faintest sound कुछ animals हैं जो बहुत हल्के से भी sound को तुरंत पकड़ लेते हैं पहचान जाते हैं सम एनिमल्स कैन फील अ फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को उनके स्मेल से ही पहचान लेते हैं हमारे पास सेंस ऑर्गेन वैसे ही के पास भी होता है These sense organs help them to move and communicate with one another. ये जो सेंस ऑर्गेन है वो क्या करते हैं Help करते हैं को move करने में और एक दूसरे से बात करने में सर्टेन एनिमल्स हैं जिनका जो सेंस है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है शार्पर होता है एंड सेंसेस टू मीट सर्वाइवल नीड्स जो भी उनके सर्वाइवल नीड्स है उनको मीट ऑन करने के लिए सेंसेस काफी होते हैं

वेरी शार्प सेंस ऑफ हयरिंग ये जो कैट्स है इनकी जो सेंस ऑफ हयरिंग बहुत ज्यादा शार्प होती है so, सुनाई थे उससे ऊपर के रेंज की भी साउंड सुन सकते हैं अकेच कैन अकेच बिसाइड अल कैन इवन य ब्रीदिंग ऑफ अ माइ इन साइड द होल कैट so क्या कर सकती है माउथ के ब्रीदिंग के आवाज को भी वो सुन सकती है माइस के ब्रीदिंग की आवाज को भी वो सुन सकती है उसके होल के बाहर से नेक्स्ट कम्स द डॉग डॉग हैव सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग सो इस डॉग से इनकी जो स्मेल सेंस ऑफ स्मेल और हियरिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है स्निफर डॉग्स आर यूज बाय द पुलिस फॉर ट्रेसिंग क्रिमिनल्स ये जो स्निफर डॉग्स होते हैं इन्हें पुलिस यूज करती है किस चीज के लिए क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए डॉग्स आर आल्सो फॉर रेस्क्यू बिकॉज ऑफ ऑफ ग्रेट सेंस स्मेल एंड हियरिंग सो ये जो डॉग्स हैं वो रेस्क्यू के भी काम आते हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर बहुत ही अच्छी सेंस होती है स्मेल और हियरिंग की नेक्स्ट कम्स द स्नेक दे कैन नॉट हियर एट ऑल ये जो स्नेक्स हैं ये बिल्कुल भी सुन no नहीं सकते दे होते दे पिकअपाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू बॉडीज अपनी बॉडीज पे क्या करते हैं वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स कैमेलियन कैन ईच और लार्ज बल्जिंग आइज ऑन ह्यूमंस की तरह कैमेलियन जो है वो मूव कर सकते हैं टू देयर लार्ज बल्जिंग आइज At the same time. वो दो डाय देख सकते हैं जो एनिमल्स है वो अपने कुछ साउंड जेस्टर्स को यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए जैसे कि हम करते हैं बट दे ऑल्सो यूज सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ स्वेल ये सेंस ऑफ टच और स्मेल भी यूज करते हैं एनिमल्स एनिमल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू व्हाट ऑल इट कैन कम कन्वे ये जो एनिमल लैंग्वेज है वो एक पार्ट में लिमिटेड है जो भी वो बोलना चाहते हैं या जो भी वो हमें समझाना चाहते हैं वो एक लिमिटेड पार्ट तक ही है द प्रिंसिपल मैसेज कंसर्न्स दDanger एंड लोकेशन ऑफ फूड इनका जो प्रिंसिपल मैसेज रहता है एनिमल्स का वो या तो डेंजर बताना चाहते हैं या फिर उन्हें फूड का पता चलता है वो बताना चाहते हैं द ओनरशिप ऑफ टेरिटरी एंड अपनी जो प्रॉपर लोकेशन है उसकी ओनरशिप को बताते हैं एंड इन्हें रिप्रोड्यूस करना उसके बारे में ये हमें बताते हैं तो दीज फोर थिंग्स दे डिटेल अदर सिग्नल्स हेल्प्स टू एंड फैमिलीज एंड ग्रुप्स टुगेदर जो दूसरे सिंगल, जो का, जो है, या जो है वो एक साथ रह पाते हैं लेट्स लर्न अबाउट एनिमल्सेंस ऑफ हियरिंग सो देंस ऑफ हियरिंग टू लर्न अबाउटर एनिमल्स फिश है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट विच हेल्प लर्म टू फाइंड फूड एंड अवॉइड सो so, जो फिश हैं इनके जो सेंस ऑफ साइट है देखने का जो सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जिससे ये फूड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रिडेटर से मीन्स अपने शिकारियों से अपने आप को बचा सकते हैं दे हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन देर लिप्स इनके जो लिप्स होते हैं यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ट्रंक्स एंड मार्क्स सम फिश सच एज अ गोट फिश एंड कैट फिश है Which have taste structures. So, यहाँ कुछ फिशेस के नाम दिए गए चिल्ड्रेन बोट फिश एंड कैट फिश इनके कुछ बाबल्स होते हैं या फिर जैसे कैट में होते हैं जो विच uh, है जिसमें टेस्ट स्ट्रक्चर होता है फिश डू नॉट है उसका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है दे हैव इंटरनल ईयर विच कैन सेंस द वाइब्रेशन क्रिएटेड बाई साउंड तो इनके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं बॉडी के अंदर ईयर होते हैं जो क्या कर सकते हैं जो सेंस कर सकते हैं वाइब्रेशन को जो साउंड क्रिएट कर रहा है अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसे यूज करते हैं टू फाइंड अ वे अराउंड अपनी जगह को ढूंढने के लिए दे ऑल्सो है और इनके जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी काफी ज्यादा डेवलप्ड है ऑलमोस्ट ऑल फिश है स्पेशल सेंस ऑर्गेन जितने भी फिश है सबके अंदर एक स्पेशल है जिसमें हम कहते हैं to जो हेल्प करता है इन्हें ऑब्जेक्ट को टच करने में जो काफी ज्यादा दूर है सम वेल्स एंड डॉलफिन कुछ वेल्स और डॉल्फिन ऐसे होते हैं जो ऐसी साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस uh, जो है हियर नहीं कर सकते इतना तेज साउंड होता है दैट इकोस बैक एंड गेव द डिटेक्शन ऑफ दी टू दीज एनिमल्स ये साउंड जो है इनसे ट्रैवल होता है और वापस इको होके वापस आता है तो इन्हें पता चल जाता है कितने दूर इनका जो है दे uh, नॉट

पहचान लेते हैं दे कैन डाइव एट हंड्रेड मील्स पर आर हंड्रेड मील्स पर आर के हिसाब से ये डाइव कर सकते हैं नीचे आ सकते हैं एंड एबिलिटी इनकी जो आई साइट है और जो डाइविंग एबिलिटी है इसकी वजह से इजीली अपने शिकार को पकड़ लेते हैं बर्ड्स कॉम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय यूजिंग मेनी डिफरेंट साउंड्स ये जो बर्ड्स हैं आपस में बात कैसे करती हैं अलग अलग साउंड्स को यूज करके

Hearing है वो ह्यूमन से दस गुना ज्यादा होती है सेंस ऑफ हियरिंग टू कम्युनिकेट विद ये अपने इस सेंस ऑफ हियरिंग को यूज करते हैं अपने मेट से अपने रिश्तेदारों से अपने राइवल से अपने यंग वन से या फिर अपने फ्लॉक मेंबर्स से बात करने के लिए और टू लोकेट प्रे, या फिर अपने प्रे को लोकेट करने के लिए टर्की फूड फोर मीट विथ द हेल्प ऑफ दअ सेंस ऑफ स्मेल सो ये जो टर्की वेल्चर्स होते हैं ये क्या कर सकते अपने फूड को ढूंढ सकते हैं सड़े हुए मीट को ढूंढ सकते हैं किससे अपने सेंस ऑफ स्मेल से मैनी बर्ड्स ऑल्सो यूज देंस ऑफ स्मेल टू फाइंड द वे बैक टू देर होम बहुत सारे जो बर्ड्स है वो अपने सेंस ऑफ स्मेल को जो है यूज़ करते हैं अपने घर वापस जाने के लिए जो आईज है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है दे कैन नॉट मूव देअस को मूव नहीं कर सकती सो दू मूव नेट अ गुड विजन क्योंकि वो अपनी आईज को मूव नहीं कर सकती तो उन्हें अपना हैड को मूव करना होता है ताकि वो उन्हें अच्छे से दिखाई दे सके द नेक्स नेक इज फ्लेक्सीबल एंड दे कैन टर्न दराउंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली उनका जो नेक है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल होता है और वो अपने नेक को हर डायरेक्शन में घुमा सकती है पूरी तरह से भी घुमा सकती है नाचुर लेट्स लर्न अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द फूड सो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट होता है जिससे वो अपने जो प्रे है उसे कैप्चर कर सकते हैं और फूड को फाइंड आउट कर सकते हैं Bees have a sense of taste. बीज बीज सेंस ऑफ़ टेस्ट जो है उनका जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सम वर्क बीज ब्रिंग नेक्टर फॉर अदर बीज कुछ वर्क बीज है वो क्या करती है दूसरे बीज के लिए नेक्टर लेके आती है इफ द बीज लाइक द टेस्ट दे परफॉर्म द टिपिकल बी डांस और जैसे उन्हें टेस्ट अच्छा लगता है तो वो एक बी डांस जो है करती है

दैट आर ऑल्सो कॉल्ड फीलर्स ये जो एंटीनाज है वो बहुत ज्यादा दे आर देंगन और ये बॉडीज earthworm. ये जो अर्थवर्म्स है इनके बॉडी में टेस्ट रिसेप्टी बॉडी में डॉल्फिन फूड विद स्मेल ये डॉल्फिन दे कैन या फूड अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं अपने से. So, children, Now, कुछ एनिमल्स है जो सोते हुए हैं लाइक ह्यूम एनिमल्स ऑल्सो नीड रेस्ट इन स्लीप जैसे हमें रेस्ट और स्लीप की जरूरत है वैसे ही एनिमल्स को भी डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग ड्यूरेशन चाहिए सोने का सच एज एजमन बेबी स्मॉल एनिमल्स नीड मोर स्लीप स्लीपैन लार्ज एनिमल्स जैसे ह्यूमन बेबी होते हैं वैसे ही स्मॉल एनिमल जो हैं उन्हें भी काफी ज्यादा टाइम चाहिए सोने के लिए लार्जर एनिमल्स की कंपैरिजन में दिस इज बिकॉज स्मॉल एनिमल्स यूज अप मोर एनर्जी देन लार्ज एनिमल्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल एनिमल्स हैं ये ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं लार्ज एनिमल्स की कंपेरिजन में टू गेट बैक दैट एनर्जी देव टू स्लीप फॉर आवर्स और उस एनर्जी को वापस पाने के लिए सोना पड़ता है एलिफेंट्स है, है जो काउ है ये दो से चार घंटे ही सोते हैं पूरे दिन में डॉग्स लीप फॉर टेन आवर्स और ये जो डॉग्स है वो टेन आवर्स के लिए सोते हैं सम एनिमल्स स्लीप्रू आउट विंटर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पूरी विंटर सोते हैं वेरी डीप लॉन्ग स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन और इस लंबी स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है दे नीड लिटिल फूड और नो फूड ड्यूरिंग हाइबरनेशन इन्हें ये थोड़े बहुत फूड की जरूरत होती है बिल्कुल भी फूड की जरूरत नहीं होती है हाइबरनेशन के टाइम में फ्रॉक्स स्नेक्स ग्रिजी ब्लैक बियर्स एंड स्क्स हाइबर सो ये जो फ्रॉक्स होते हैं स्नेक्स लेजर्ट्स ये सारे हाइबरनेट करते हैं विंटर्स में। बैट स्लीप फॉर के लिए सोते हैं स्लीप फॉर आफ्टर खाना खाने के बाद टाइगर्स स्लीप फॉर अबाउट सिक्सटीन आवर्स टाइगर्स जो है सम एनिमल्स स्लीप टू कंजर्व एनर्जी कुछ एनिमल्स सोते हैं किस लिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एनिमल जो है रात में सोते हैं ये दिन में सोते हैं बैट्स स्लीप हैं अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री ये जो बैट्स है ये कहां सोते हैं ये पेड़ से अप साइड डाउन हैंग होके सोते हैं और फ्रॉम अलिंग ऑफ कोर्स सो या फिर ये सीलिंग पे डाउन होके हो सोते हैं हॉर्सेसली है कम कर देती है जब वो सोती है हाउ एनिमल्स कॉम्युनिकेट एनिमल्स कैसे बात करते हैं एनिमल्स डू नॉट यूज लैंग्वेज इन द सेम वे दैट पीपल डू एनिमल्स लैंग्वेज को उस तरीके से यूज नहीं करते जैसे लोग यूज करते हैं बट एनिमल्स कॉम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साउंड स्मेल मूवमेंट एंड सम अदर यूनिक वेज लेकिन ये जो एनिमल्स है ये एक दूसरे से बात करते हैं कैसे साउंड से स्मेल से मूवमेंट से या दूसरे अलग वे से फॉर एग्जाम्पल डॉग बाग कैपर्स क्रिकेट चर्ड फ्रॉक स्क्रोक टू कन्वे दियर जॉय डेंजर फ्यंग इन सारी चीजों के लिए एनिमल्स अलग अलग तरीके के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेट अदर, कॉल्स अ फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को जो अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग मीनिंग्स का जो होते हैं इंक्लूडिंग एन अलार्मील ऑफ पेन एंड फियर जिसमें एक अलार्म कॉल होती है एक स्क्रील होती है और पेन ऑफ फियर को बताने के लिए अलग अलग साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स लाइक द पैरट कैन इवन इमिटेट ह्यूमन स्पीच जो बर्ड्स हैं जिसमें पैरट है वो ह्यूमन्स को भी कॉपी कर सकते हैं ह्यूमन्स की जो भाषा है उसे कॉपी कर सकते हैं नेवर द कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड हैव अ नंबर ऑफ कॉल दैट मीन डिफरेंट थिंग्स तो ये जो बबून से ये एक दूसरे से बात करने के लिए अलग तरीके की सांस का यूज करते हैं आर इंटेलिजेंट एनिमल्स विद ग्रेट लर्निंग एबिलिटीज डॉल्फिन जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है दे आर ट्रेन टू परफॉर्म इंप्रेसिव ट्रिक्स इन एक्वेरियम इन्हें ट्रेन किया जाता है अलग अलग ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए एक्वेरियम में इंक्लूडिंग हाई लीव अब वॉटर जिसपे वॉटर के ऊपर हाई लीप करना भी सिखाया जाता है इन्हें देर स्पीडी एंड ग्रेसफुल स्विमिंग एड्स टू देयर अपील एंड परफॉर्मेंसेस तो इनका जो स्पीड है और इनका जो ग्रेसफुल uh, स्विमिंग है जिससे इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है वेल्स एंड डॉल्फिन कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स तो ये जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं क्लिक्स और विसल्स से

ये सारे जो है कुछ अलग तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए चिंपैंजीज टच ईच अदर्स हैंड इन ग्रीटिंग चिंपैंजीज जो है एक दूसरे का हाथ टच करते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए द मेल फिडर क्रैब वेव्स अ क्लॉ टू अट्रैक्ट द फीमेल जो मेल फिडर फिडलर क्रैब है वो क्या करता है अपने क्लॉ को वेव करता है टू अट्रैक्ट फीमेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एलिफेंट्स अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। एनिफेंट जो है उनके अंदर एक अलग वे होता है का, जो वो अफेक्शन को शो करते हैं बाय एन ट अपने ट्रंक्स को करके वो अपने को शो करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स वी यूज कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड एस प्रोडक्ट्स फॉर फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर एनिमल्स क्या करते हैं हमें फूड क्लोथिंग और शेल्टर के लिए बहुत सारी चीजें देते हैं बैग शूज दिसमल गिवे एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं फिश हमें मीट देते हैं Hence,

राइट बिलो पिक्चर द नंबर ऑफ आज एनिमल्स तो ये एनिमल्स कितनी देर के लिए सोते हैं या Now, कुछ एनिमल्स हैं जो खतरे में so, times, so, पहले टाइम में क्या होता था तो, अर्ली टाइम में लोग जो है एनिमल्स पे डिपेंड होते थे फूड के लिए दे यूज ऑफ एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स वो एनिमल के स्किन को यूज करते थे क्लोथ्स बनाने के लिए द केव पेंटिंग कुछ पेंटिंग्स हैं जो फ्रांस में है और मध्य प्रदेश में है जो हंटिंग सीन्स को डिपेक्ट करते हैं दिस इज केव पेंटिंग फ्रॉम हंटिंग बिकेम एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अब बाद में क्या हुआ कि ये हन्टिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बन गई बिकॉज इट प्रोवाइड फूड फॉर पीपल क्योंकि ये लोगों को फूड देने लगा नव एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स अब एनिमल्स का शिकार किया जाने लगा उनके बोन्स के लिए स्कैन ट स्कैन फॉर के लिए सम एनिमल्स हैलरेडी बिकम एक्सटिंकट कुछ एनिमल्स जो है पहले से ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बहुत ज़्यादा हंटिंग की वजह से सम अदर्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट सोन कुछ हैं जो डेंजर में जा चुके हैं जल्दी ही होने वाले हैं सेंस द बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस क्योंकि इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे सेल किए जाते हैं सम पीपल आर इन्वॉल्व इन पोचिंग एंड दीपल हु आर कॉल्ड पोचर्स तो कुछ लोग हैं जो पोचिंग में इन्वॉल्व हैं और

इनडिसक्रिमिनेशन की वजह से जिसमें लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट को कट करते हैं और शिकार को बढ़ावा देते हैं तो इसकी वजह से कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्शन कुछ, कुछ की तरफ जा रहे हैं मीन्स खत्म होने की है, वो खत्म होने वाले हैं एक्सटिंग मीन्स टू हैव डाइड और डू नॉट एक्जिस्ट एनिमोर एक्सटिंक का मतलब है कि जो मर चुके हैं और अब नहीं आएंगे एंडेंजर्ड मीन टू इनजर डिस एनिमल जो अब खत्म होने की लाइन में खड़े हैं नाउसेशन एफर्ट्स मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशनिमल विच आर नीट नियर एक्सटेंशन सो बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं लोगों की uh, किस लिए एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए इन एनिमल्स की दे नोन एस कंजर्वेश ऐसे लोग जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्सटिंक्शन से बचा रहे हैं उन्हें हम कंजरवेश नाउ बैन इन आर कंट्री हंटिंग अब हमारी कंट्री में बैन है द प्रोजेक्ट टाइगर वो इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दर नाइनटीन सेवेंटी थ्री ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब 1973 में, टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए टुडे देर आर 29 टाइगर रिजर्व इन इंडिया और अब जो है ये हो चुका है कि इंडिया में टोटल 29 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे एट प्रेजेंट देर आर हंड्रेड नेशनल पार्क एंड फाइव हंड्रेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस टाइम पे जो है हंड्रेड्स ऑफ नेशनल पार्क्स और फाइव हंड्रेड से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स वो लोग एनिमल्स पे डिपेंड हैं ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर द लाइवलीहुड ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीक़ों से दे मे बी एनिमल हर्डर्स उन्हें एनिमल हर्डर्स कहा जाता है ट्रेनर्स या फिर चामस कहा जाता है आर द टाइप लिविंग इन द जंगल्स ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया सो ये जो so, गुज्जर है वो ऐसे ट्राइब हैं जो कहा रहते हैं जंगल्स में रहते हैं सेंट्रल और नॉर्थन इंडिया में हु आर काउ हर्डर्स जो काउ और बफेलो को हर्ड करते हैं गुज्जर वुमेन लुक आफ्टर द एनिमल्स द मेन सेल डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स सो ये जो गुज्जर वो एनिमल्स का ध्यान रखती हैं और इनके जो मैन हैं वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को सच एज मिल्क घी पनीर टू अर्न देयर लाइवलीहुड अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए द कैटल आर फेड स्पेशल लीव्स जो कैटल है उसको अलग तरीके के स्पेशल लीव्स खिलाए जाते हैं विच मेक देयर मिल्क रिच इन फैट जिससे इनका जो मिल्क है वो फैट रिच बन जाता है टू डू टू द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज

क्योंकि अब इन्हें काफी लैंड नहीं मिल रहा जहां पे अपने एनिमल्स को गुरेज करवा सकें मीन्स पाल सके बास्केट ऑफ डेंजरस पेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो ये जो स्नेक चार्म हैं वो अपने बास्केट के साथ जो घूमते हैं जिसमें डेंजरस स्नेक्स रखते हैं वो और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं दे प्ले मेलेडियस नोट ऑन द और अपना जो भी मेलेडियस नोट हो चाहे जो भी धुन होती है वो प्ले करते हैं अपने फ्लूट पे दे आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक सो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की बात हो रही है यहाँ पे जैसे कि मदारी हो गए या महोत हो गए हु आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल लाइक स्नेक एलिफेंट योर एंड मंकी फॉर लाइवलीहुड सो so, लोग क्या इन एनिमल्स डिपेंडेंट है अपने रोज का लाइवलीहुड अर्न करने के लिए दे ट्रेन दीज एनिमल्स एंड यूज देम टू एंटरटेन पीपल ये लोग क्या करते हैं एनिमल्स को ट्रेन करते हैं और इनको लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज करते हैं एंड अर्न मनी और पैसे कमाते हैं मदारी ट्रेन मंकी एंड बियर्स मदारी क्या करते हैं मंकी और डियर को बियर को ट्रेन करते हैं वाइल्ड महा ट्रेन एलिफेंट लेकिन ये जो महोत्थ है वो एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मदारी एंड हियर इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट सम एनिमल्स लाइक मंकीज हॉर्सेस एलिफेंट्स बाय सर्कस कंपनीज एंड टॉट ट्रिक्स टू एंटरटेन पीपल पहले जो है कुछ एनिमल जैसे मंकी हो गए हॉर्स या फिर एलिफेंट्स इन्हें सर्कस में रखा जाता सर्कस कंपनीज जा रखती थी अपने पास इन्हें अलग अलग ट्रिक्स समझाई जाती थी

हम इन पे डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए

Birds have a keen sense of smell. So, sense of smell, taste, hearing, touch. So, birds have a keen sense of hearing. So, like this, children, you have to do the rest of the questions. Now, let's move on to fill in the blanks. Our senses tell us what we need to know about our environment. Like human beings, animals also have senses. So, similarly, children do the rest of the questions that are given here. Now, let's move on to true and false. All animals have sense organs. Yes, true. Snakes have a very sharp. Sense of sight which helps them to hunt their prey? No. False. Poaching is a legal activity? No. This is also. Now let's move on to answer the following questions. Name an animal which has an excellent sense of smell. So the animal which has an excellent sense of smell is dog. why do police use sniffer dogs so sniffer dogs are have the very good sense of smell and they can smell the crime or the uh, their smelling power is very good that's why the police use the sniffer dogs to solve any type of case in what ways animals are useful for us? Animals gave us uh, clothes, they gave us different food products, and they help us in our farm and fields. So, there are many uses of animals. So, children, you have to find out and write it here. Now, let's move on to fun time. Make a poster on Save Wildlife. Save Wildlife, you have to make a correct picture of the endangered animals mentioned in the text. and write the message on how we can help and save our wildlife give food to a stray dog daily a stray dog means jo gali mein aapke uh, dog hai usko food daily dena hai after some time he will become your best friend kuch samay baad wo aapka best friend ban jayega talk to a madari or a snake charmer to find out how they train and take care of the animals आपको इन लोगों से बात करनी और पता करना है कि कैसे ये अपने एनिमल्स का ध्यान रखते हैं ऑल्सो फाउंड आउट इफ दे अर्न इनफ टू टेक केयर ऑफ animals. ये भी आपको ढूंढना है कि क्या इन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं कि एनिमल्स का ध्यान रख सके so, ये सो ये दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू ऑन योर ओन सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो टिल देन स्टे लेटेड